चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जस्टिस अली मोहम्मद माकरे ने आज जिला न्यायालय परिसर पुलवामा का दौरा किया और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, एडवोकेट चैंबर्स और कॉन्फ्रेंस हॉल का इस दौरान उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पौधारोपण किया और चीफ जस्टिस के साथ इस मौके पर जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख राहुल भारती भी मौजूद नजर आए। मुख्य न्यायाधीश ने पुलवामा अदालत के वकीलों को संबोधित करते हुए कहा, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं इस जुडिशल सिस्टम में। ये जुडिशल सिस्टम की जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस लोगों का है, इसी की वजह से कि काफ़ी केसेस आ रहे हैं अदालतों में। अदालतों के पास आप देखिए कितने केसेस हैं और हमारे पास जजों की कमी के बावजूद भी 24/7 हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने से एक लिटिगेंट के जो मामले हैं उनको हल कर रहे हैं। और इसी के मकसद के लिए देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक कि जज अवेलेबल नहीं होगा होंगे, तब तक ये जो लिटिगेंट आप कोर्ट्स में आ रहे हैं उनके मामले हल नहीं हो सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि पुलवामा में ये नेक्स्ट इन जम्मू एंड कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर के बाद, जहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। मेरे साथ मेरे ब्रदर जज है राहुल भारती साहब भी है, ये भी आए। हमारा कंसर्न यहाँ आने का क्या होता है, यही देखना होता है कि क्या वाकई जो फैसिलिटीज़ हमें लॉयर्स, लिटिगेंट्स और जजों को देने हैं वो है। और उसके साथ साथ हमें देखना है कि जिस मकसद के लिए इन अदालतों को कायम किया गया वो मकसद हासिल हो रहा है। वो मकसद है सिर्फ जिन अदालतों में जो लिटिगेंट आ रहा है उसको टाइमली इनएक्सपेंसिव जस्टिस मिलना चाहिए। पुलवामा से ऋषि इरशाद की रिपोर्ट।